एवरीवन, मैं रागनी शर्मा एक बार फिर आपके साथ। आपसे जैसा प्रॉमिस किया था, 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक पावर शेयरिंग के साथ। ये आपका सिविक्स का चैप्टर है या कहीं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है? अच्छा, एक बात और, मेरा ये चैनल यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, डजंट मैटर, ये सबके लिए है, क्योंकि मेथड है पावर शेयरिंग। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पावर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग तो बनती है। पावर शेयरिंग में शक्ति का विभाजन, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है, अगर हम इसकी सीबीएसई के अकॉर्डिंग वेटेज देखते हैं तो वेटेज है इसकी 6। आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू और केस स्टडी बेस क्वेश्चन। केस स्टडी बेस 4 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन आपके इजीली जो है पैराग्राफ में से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जो आपका 2 मार्क वाला क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आज उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी मैं यहाँ पर। तो चैप्टर की शुरुआत होती है बेल्जियम के साथ और श्रीलंका के साथ, तो थोड़ा सा बेल्जियम और श्रीलंका को समझ लेते हैं। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम यूरोप की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। अब बेल्जियम को डिस्क्राइब करने के लिए हम जैसे देखते हैं कि कोई भी कंट्री अपनी नेबरहुड कंट्री से इफेक्टेड होती है, तो बेल्जियम के अंदर हमें सेक्शंस मिलेंगे, या ये कहें पॉपुलेशन का डिवीजन देखा जाए तो फ्लेमिश मिलेगा, वेलोनिया मिलेगा, और 1% हमें क्रिश्चियन कम्युनिटी मिलेगा। जो फ्लेमिश है वो 59% है। दीज आर द डच पीपल्स, ठीक है, ये डच हैं। ये कंट्री साइड की बात की जा रही है आपसे। कंट्री साइड का मतलब अगर हम बुक के हिसाब से देखते हैं तो कैपिटल से बाहर का जो सेक्शन है वो कंट्री साइड, वी कैन से दैट लाइक द विलेजेस। आफ्टर दैट वेलोनिया। वेलोनिया क्या है? ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, ये 40% हैं, और यहाँ पर जो इनकी परसेंटेज, ये जो 1% आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, ये है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, ठीक। ये है कंट्री साइड का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है। इसके अंदर उल्टा है, फ्लेमिश हो गए, सॉरी फ्रेंच हो गए 80% और डच हो गए 20%। अब अगर हम देखें तो कैपिटल के अंदर जो रेशो है वो अलग है और कैपिटल के बाहर रेशो अलग है। जो कम्युनिटी कैपिटल में माइनॉरिटी में है वो बाहर में मेजोरिटी में है। तो जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है तो इनको इक्वल प्रॉफिट नहीं मिलता। यही डिस्प्यूट की वजह थी किसके अंदर? बेल्जियम के अंदर। और पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन इनकी हरियाणा की पॉपुलेशन से जस्ट हाफ। आप सोचिए, इतनी छोटी जगह पर जब हमें इतनी वैरायटी मिल रही है तो कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल का होगा। और अगर अब हम इंडिया को देखें तो इंडिया में डेमोक्रेसी को मेंटेन करना हमारी गवर्नमेंट के लिए कितना टिपिकल टास्क है। अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल दे रखा है बुक के अंदर श्रीलंका का। श्रीलंका की बात करते हैं तो इसने अपने फ्रीडम को गेन किया 1948 में, ये भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर था। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो श्रीलंका में लोग थे उनका जो मेन वर्क था वो था प्लांटेशन। अब यहाँ पर दो कम्युनिटी मिलेगी, एक सिन्हाला, दूसरे तमिल्स। जो सिन्हाला है ये 74% है, तमिल्स जो है 18% है। सिन्हाला मेजोरिटी में है तो गवर्नमेंट के जितने प्रॉफिट मिल रहे हैं वो किसे मिल रहे हैं? वो सिन्हाला को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें श्रीलंकन गवर्नमेंट का एक डिस्क्रिमिनेशन वाला फेस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम तमिल्स की बात करें, इनके अंदर यूनिटी नहीं थी स्टार्टिंग में। ये लोग कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे। इसमें 13% थे श्रीलंकन तमिल्स जिनका नेटिव प्लेस ही श्रीलंका था, और 5% थे इंडियन तमिल्स जो कि प्लांटेशन के टाइम पे कॉलोनियल गवर्नमेंट अपने साथ श्रीलंका में ले गई थी प्लांटेशन के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स थे लोगों के बीच में, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी आती थी उसका जो मेजर प्रॉफिट मिलता था वो मिलता था सिन्हालास को। क्यों सिन्हाला? मेजोरिटी सिन्हाला की, लैंग्वेज सिन्हाला की, रिलीजन बुद्धिज्म। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे और वो कॉन्फ्लिक्ट जाके 2009 में जाके देखा जाए तो वो ख़त्म हुए। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा एग्जांपल दिया बेल्जियम गवर्नमेंट ने। उन्होंने 1970 से लेकर 93 तक 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए, और ये चेंजेस थे 4 तरीके के। क्या क्या चेंजेस थे? पहला चेंज इन्होंने ये किया कि भाई गवर्नमेंट को 2 पार्ट में बांट दिया। एक हो गई गवर्नमेंट के, कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। अगर हम देखें तो एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट और जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग राइट्स दे दिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इसके बाद इन्होंने एक नई गवर्नमेंट बनाई, कहां पर, कैपिटल के अंदर, दैट इज कमोडिटी गवर्नमेंट या कहें कम्युनिटी के बिहाफ पे बनाई गई। इसमें इन्होंने कहा कि अपने अपने कल्चर की देखभाल करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तीसरा जो बहुत अच्छा स्टेप लिया था बेल्जियम गवर्नमेंट ने, वो लिया था कि जो गवर्नमेंट होगी उसमें फ्रेंच के और डचेस के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो ये था बेल्जियम, और बेल्जियम ने अपने आप को एक ग्रेट एग्जाम्पल सेट किया पूरे यूरोप के अंदर, और यही वजह थी कि बेल्जियम को, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर बना दिया यूरोपियन कंट्रीज ने। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जितना ये चैप्टर मैं कवर करवा सकती थी मैंने आपको करवा दिया, और मैं बार बार कह रही हूँ नो मैटर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, टॉपिक्स वही हैं, एनसीईआरटी वही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नॉर्म्स यही हैं। तो आप मुझे बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे मोटिवेशनल पॉइंट हैं। थैंक यू।